मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों, आज मैं आपको पाठ 6 पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 6 में हम आज क्या पढ़ेंगे? छठा स्वर। छठा स्वर में व्यंजन कैसे लगाया जाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, उसको शब्दों शब्द बनाकर कैसे बोले जाएं। आज हम क्या पढ़ेंगे? छठा स्वर, जिसे क्या कहते हैं हम? बड़ा ऊ। कल हमने पढ़ा था छोटा ऊ, आज हम क्या पढ़ेंगे? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ के साथ हम क्या लगाएंगे? व्यंजन। तो सब विद्यार्थी ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे, ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे, फिर ध्यान पूर्वक इसको लिखेंगे, फिर इसको ध्यान पूर्वक याद करेंगे। 4 काम करेंगे। प्रथम क्या करेंगे? सबसे प्रथम इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे, ठीक है। दूसरा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर तीसरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। चौथा फिर ध्यान पूर्वक याद करेंगे। तो ये 4 काम जरूर करेंगे। तो हम सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे? बड़े ऊ के स्वर में व्यंजन कैसे लगाए जाए। तो ये किताब में क्या छपा है? ये छपा है फूल। तो क्या हम आज पढ़ेंगे? फा के साथ क्या लगी बड़ी ऊ की मात्रा? जमा ला। फूल, ये क्या बन गया? फूल। आगे ये क्या है? चूहा। तो चा के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाई, क्या बन गया? चू। आगे फिर जमा लगाया हा, चूहा। तो ये क्या बन गया? चूहा। आगे क्या है? ये है जूता। तो जा के साथ पहले क्या लगाएंगे? बड़े ऊ की मात्रा। जा के साथ क्या लगाएंगे? बड़े ऊ की मात्रा। तो पहले जा के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगाओ, फिर आगे क्या लिखो? ता, जू ता। ये क्या है? सूरज। सूरज में सा के साथ क्या लगाएंगे? बड़े ऊ की मात्रा। सा के साथ नीचे लगाओ बड़े ऊ की मात्रा, ऐसे सू, फिर क्या लिखो? रा, फिर ज, क्या बन गया? सूरज। तो आगे छोटे छोटे शब्द हम कैसे यूज करेंगे, जिनकी फोटो नहीं छपी है लेकिन शब्द लिखे हुए हैं, इसकी फोटो भी हम छाप करके लिख सकते हैं। जैसे दूध, द के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगी दूध। आगे क्या लगा? कूप। का के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगी, फिर लिखा क्या? लिखा फूल। फा के साथ बड़े ऊ की मात्रा लगी फूल। फिर धूप, ऊन, मूली। आगे क्या लिखा? चूर्ण, सूरज है। फिर क्या है? पूरव, खजूर। आगे जैसे ये 3 शब्द आए हैं, 3 शब्दों में पहले खा के साथ बड़े ऊ की मात्रा नहीं है, इसके बीच में है, जा के बीच में, जा के नीचे बड़े ऊ की मात्रा है, खजूर। तो खजूर तो आप खाते ही होंगे, तो खजूर लिखना भी सीखो। पहले लिखो खा, प्रथम क्या लिखना है? शब्द खा। फिर जा के नीचे, जा लेकर के नीचे बड़े ऊ की मात्रा डालो। फिर क्या लिखो? रा, क्या बन गया? खजूर। आगे क्या है? कबूतर। कबूतर भी आपने देखा होगा उड़ता हुआ आसमान में, अच्छा लगता है, तो लिखना भी सीखो। प्रथम क्या कहेंगे? क बू तर, कबूतर। तो हम शब्दों छठे पाठ में हम बड़े ऊ के साथ किन किन शब्दों को प्रयोग में ला सकते हैं,
या लगातार करते हैं उन शब्दों को भी सीखना जरूर चाहिए। तो इस किताब के अनुसार तो हम पहले पढ़ते हैं, किताब पर क्या लिखा गया, तीन शब्द लिखे गए, कूप पर चल, कूप होता है कुआं, कुआं भी बोल सकते हैं। तो यह कूप में बड़े उ की मात्रा लगती है और का कुआं के ऊपर छोटे उ की मात्रा लगेगी, तो हम बड़े उ की मात्रा क्या कहेंगे, कूप पर चल। आगे क्या लिखा, झूला झूल, झा में भी बड़े उ की मात्रा लगी, झूला झूल। फिर आगे क्या लिखा, सूरज डूबा, दोनों में बड़े उ की मात्रा है, सा में भी बड़ी उ की मात्रा और डा में बड़ी उ की मात्रा। तो क्या लिखा है, सु शब्द देखिए, ये क्या शब्द है, सूरज डूबा, सूरज डूबा। आगे शब्द देखिए, शब्द क्या है, धूप गई, धा में बड़ी उ की मात्रा है, ये देखिए धा में बड़ी उ की मात्रा, धूप गई, भूल ना कर, जैसे आप भी लिखते समय भूल कर बैठते हैं तो भूल लिखना भी सीखें, भूल मत करें, भूल अपनी सुधारें, तो इन ये शब्द भी बोले जा सकते हैं, भूल अपनी सुधारें। इसका क्या अर्थ हुआ कि हम गलती दोबारा ना करें और गलती को परखें कि हमने छोटे उ की मात्रा लिखी है या फिर बड़े उ की मात्रा लिखी है। हमेशा याद रखें, बड़े उ की मात्रा कैसे लिखी जाएगी, ये ऐसे उ बना करके बीच में, बीच में उसके लिखना है, उ के बीच में बड़े उ की मात्रा आएगी। तो क्या लिखा गया शब्द, भूल ना कर, खजूर खा कर आ, खजूर खा कर आ। आगे क्या लिखा, चूहा उन खा गया, पहले शब्द आया चा के ऊपर बड़े उ की मात्रा चू हा, आगे लिखी बड़ी उ की मात्रा है, ये है ही ऊन लिखा गया है, ऊन खा गया, कबूतर उड़ गया, मेरा दूध उछल गया, अमरूद मत खा, इसमें ये शब्द लिखा हुआ है, लेकिन अमरूद तुमने खाना है, विटामिन बहुत होते हैं, विटामिन बच्चों अमरूद में अच्छे विटामिन होते हैं, अमरूद खाना चाहिए। तो हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, छठा स्वर, क्या कहेंगे इसको, बड़ा उ। तो इसको सदा याद रखना है, इसको घर में मैंने चार काम समझाए थे। सबसे पहले क्या काम समझाया था, जो पाठ पढ़ाया गया है उसे अच्छी तरह देखना, फिर उस पाठ को पढ़ना, फिर सुनना, फिर चौथा क्या कहा था, याद करना। तो हम लगातार इन चार कामों को करेंगे तो हम लगातार पढ़ते 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 सीख जाएंगे। अच्छा बच्चों आज बस इतना ही, बाकी फिर